हाँ क्या है आपको, क्या दिक्कत है? अच्छा मैं डॉक्टर होके सिगरेट क्यों पी रहा हूँ? कोई बात नहीं, मैं आपकी दिक्कत दूर करता हूँ। पहली बात तो मैं कोई डॉक्टर हूँ नहीं, मैंने सिर्फ यूं ही स्टेटोस्कोप लगा रखा है और मैं सिगरेट पी नहीं रहा हूँ, मैं तो सिगरेट सिर्फ देख रहा हूँ। मम्मी मैं जल गया। तो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फुट ऑफ ब्लस। तो भाई यहाँ पर बहुत बवाला फैला रखा है मैंने, क्योंकि आज किस वीडियो में काफ़ी बवाली होने वाला है। तो आज किस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या हम लोग स्टेथोस्कोप का यूज़ करके सॉन्ग सुन सकते हैं, है ना? और यही नहीं, अगर सुन सकते हैं तो मैं आपको भी सुनाने की कोशिश करूँगा। और क्या मैं आपको अपने दिल की धड़कन सुना सकता हूँ, ये भी आज चेक करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और यही नहीं, आज का वीडियो आप लोग खुद अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। वो कैसे, आपको वीडियो के लास्ट में मालूम चल जाएगा। मैं आपको एक जुगाड़ भी बताऊंगा आज का एक्सपेरिमेंट घर पे ट्राई करने के लिए। तो भाई इस अमेजिंग से वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, तो फटाक से वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, तो सबसे पहले जो है मैं अपने दिल की धड़कन आपको सुनाने वाला हूँ, है ना? हाँ हाँ हाँ, तो कान खोल के बैठ जाओ और ईयरफोन लगा के भी बैठ जाओ, क्योंकि अगर आप लोग ईयरफोन नहीं लगाओगे तो आपको ठीक से सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत स्लो होने वाली है। तो देखता हूँ मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे अपने अंदर से दिल नहीं निकालना होगा, अपने अंदर से छुपा हुआ माइक निकालना होगा, ठीक है? ताकि मैं इसके ईयर पीस में सीधा माइक घुसा दूं। तो अभी आप लोग बिल्कुल ध्यान से ईयरफोन या फिर हेडफोन लगा के बैठ जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग सुनने वाले हैं। तो ये देखो, मैंने इस माइक को इस ईयर पीस में अंदर अच्छे तरीके से फिट कर देना है। जैसे मैं फिट करूँगा, हो सकता है आपको मेरी आवाज़ कम सुनाई पड़े, है ना? क्योंकि ये चला जाएगा इसके अंदर, और ये गया इसके अंदर। तो ईयरफोन या फिर हेडफोन लगा लिया है ना, अगर नहीं लगा तो भाई जल्दी लगा लो। माइक इसके अंदर फिट है। हेलो हेलो हेलो, अब आवाज़ कम हो गई होगी, अब ध्यान से सुनना। अब जो है मैं दूसरे सिरे से सुनाने वाला हूँ आवाज़। ये मैंने अभी सामने वाले हिस्से सुनाया, अब इसके बेल वाले हिस्से से आवाज़ सुनाऊंगा, ठीक है? तो आई थिंक आपने आवाज़ सुन ली होगी, है ना? वैसे मैंने इसका वॉच इनसाइड वीडियो भी बनाया है अपने दूसरे चैनल पे, आप लोग आई बटन में जाकर देख सकते हैं। कैसा लगा आपको आवाज़ सुन के? तो आपने अगर आवाज़ सुनी है तो भाई कमेंट में बताना कि मैंने सुनी है, मुझे सुनाई पड़ी। तो आप ऐसा करते हैं, सॉन्ग सुन के देखते हैं कि क्या स्टेथोस्कोप से सॉन्ग सुन सकते हैं या नहीं, मतलब स्टेथोस्कोप के जरिए सॉन्ग सुनाई पड़ेगा या नहीं, इससे कौन सॉन्ग सुनेगा। तो मैं इसे यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो मैं इस ब्लूटूथ ईयरफोन में सॉन्ग को प्ले करूंगा, ठीक है? तो मैं ब्लूटूथ ईयरफोन में सॉन्ग को प्ले करता हूं और प्ले हो गया, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है, पहले की तरह ही माइक को स्टेथोस्कोप के ईयरपीस में घुसा देना है। घुसा दिया। ये जो ब्लूटूथ ईयरफोन का एक बड लेंगे हम स्टेथोस्कोप के इस सिरे पे लगाएंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनना, सुनाई पड़ेगा या नहीं। तो अभी सामने वाला हिस्सा ही, अब इसके पीछे वाले हिस्से से, ठीक है? तो इसे हमें मूव करना होगा। तो ये ईयरफोन का सीधा जा रहा है स्टेथोस्कोप के पीछे वाले पार्ट में,
आप लोगों ने? एक बार मैं भी सुन के देख लेता हूं। ओ भाई जबरदस्त, एकदम मस्त आवाज आ रही है। वाओ, दिल बने के। तो इस तरीके से हमने देखा भाई, स्टेटोस्कोप में हमें सॉन्ग भी साफ साफ सुनाई पड़ जाता है। अभी जो मैंने आपको लास्ट में जुगाड़ बताया था वो ट्राई करने वाला हूँ, यानी कि खुद से हम लोग इसे कैसे घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए कबाड़ों का यूज़ करके एक स्टेटोस्कोप बनाते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग खुद से ये सब चीज़ें घर पर ट्राई कर सकते हैं नहीं। वैसे इससे अच्छा ऑप्शन है कि आप लोग इसे खरीद लो, मैं इसके लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मात्र 200 से 250 रुपए का आता है, इस टाइम पे तो 208 रुपए का ही चल रहा है। मैं इसकी अमेजोन और फ्लिपकार्ट के लिंक दे दूंगा। ओहो माइक लगा हुआ है, तो अब जुगाड़ वाला स्टेटोस्कोप बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए पुराने या फिर ख़राब हो चुके ईयरफोन के ऊपर के ईयर पीस। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके अंदर का माल पानी से हम निकाल लेंगे, ऊपर का आराम से ओपन करके। ओ ओ ये देखो, ये ओपन हो गया। अब हमें ये जो मैग्नेट है ये सब निकाल लेना है। भाई निकल जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। अरे यार निकल जा। ये देखो फाइनली ये निकल गया है। अब बचा है केवल ये खोखल, है ना। ये देखो, अब इसके बाद इसका वायर वगैरह भी सब निकाल लेंगे। तुम भी जाओ भाई, तुम भी जाओ, और बचेगा सिर्फ इतना, और ये पैक कर लेंगे, पैक हो जाओ। और ये देखो मात्र हमें इतना हिस्सा ही चाहिए। अब अगला काम यह है कि अगर यहाँ पे कोई भी रबड़ का पीस लगा हुआ तो इसे निकाल देना है, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे एक छेद। और यहाँ पे बढ़िया सा मस्त एक छेद मिल गया है, और दूसरे में भी मस्त एक छेद है। तो काफ़ी ज़्यादा काम यहाँ पे हमारा हो चुका है। और उसके बाद हमें चाहिए लेवल वाला पाइप। ये आप लोग किसी भी हार्डवेयर शॉप से ला सकते हैं, बहुत सस्ता मिलता है। और फिर उसके बाद हमें चाहिए ऐसे, कौन मैसेज करता है, बस 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 बस, अरे यार बस, ऐसे कैसे वीडियो बनेगा जब ऐसे नालायक दोस्त हों काम के समय मैसेज करने वाले। मम्मी थोड़ी देर बाद आता हूँ, ठीक है। अभी तक बंद नहीं हुआ। यार एक मिनट तो मुझे लगता है इसी में चले गए, मैं जा रहा हूं यार। तो यार 5 मिनट बाद जाके थोड़ी शांति मिली है, हमें बनाना है होल इस कैप में। ओ शिट, अब करीब हमें इतना पाइप कट करके निकाल लेना है अलग। देखो इतना, तो ये देखो मैंने उन दोनों ईयर पीस को इस पाइप में कुछ इस तरीके से ग्लू गन की मदद से चिपका दिया है। और दोस्तों चिपकाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि भाई जो इस ईयर पीस में होल था वो पाइप में अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाए और बीच में कोई भी गैपिंग ना हो। और दोस्तों लास्ट में हमें इस कैप में बलून फिट कर देना कुछ इस तरीके से, और एक पाइप को उस ईयर पीस में जाके कुछ इस तरीके से बिल्कुल स्टेटोस्कोप के जैसे जोड़ देना है, अच्छी तरीके से चिपका देना है। इसको चिपकाने में बहुत ध्यान रखना, अभी हम लोग इसे टेस्ट करने वाले हैं। दोस्तों ये वाला कनेक्शन बहुत ध्यान से करना, यहाँ पे तीनों डायरेक्शन के पाइप आके मिले हैं, तीनों आपस में कनेक्ट हैं, और यहाँ पे मैंने बहुत मजबूती से इन्हें जोड़ा है। तो मैंने क्या किया था, ईयर पीस वाले पाइप में पहले होल बना दिया था, यहाँ पे उस होल में ये वाला पाइप जाके फिट कर दिया था। तो ये जुगाड़ मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप लोग आज का एक्सपेरिमेंट घर पे ट्राई कर सकें, घर पे पड़ी हुई कबाड़ का यूज़ करके। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा आप लोग यही ले लें, 200 रुपये का आता है, ठीक है। तो अब मैं इसे टेस्ट करता हूँ, ये गया कान में हमारे ईयरफोन, और क्या ये वर्क करेगा नहीं। तो भैया कान में फिट हो जाओ, हो गया। हंड्रेड % वर्किंग, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा, बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा भाई, इतना अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो सच में ये काफ़ी हद तक वर्क कर रहा है, मुझे सच में अपने दिल की धड़कन सुनाई पड़ी इस जुगाड़ से बने स्टेटोस्कोप से।
सच में अब मैं इसमें सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने पहले की तरह पूरा जुगाड़ फिट कर दिया है, माइक को इसके ईयरपीस में लगा दिया है। अब इसके टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे सॉन्ग प्ले करके लगा देता हूँ ईयरफोन में। आप लोग सुनना ध्यान से, मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ और सॉन्ग ईयरफोन प्ले हो गया है। अब मैं कप को ईयरफोन के पास ले जाता हूँ। तो मुझे भी वीडियो देखना पड़ेगा कि आवाज़ आई या नहीं। तो दोस्तों आज का जुगाड़ भी वर्क कर गया, एक्सपेरिमेंट भी सक्सेसफुल हो गया, एकदम मज़ा ही आ गया। इस तरीके से हमने देखा कि भाई स्टेटोस्कोप में सॉन्ग भी सुनाई पड़ जाता है और कुछ इस तरीके से जुगाड़ से भी हम लोग बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बटन जरूर दबाना और हाँ इसे बना के कमेंट में बताना इसके बारे में काम किया या नहीं। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही, बस इसका ज्वाइंट बहुत ध्यान से चिपकाना। बाय बाय।